भाई अभी टाइम किसकी है, आफ्टर 3-4 डेज कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है? पठान, जो कि शाहरुख खान 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंसेप्ट है, कितना हाई ऑक्टेन एक्शन दिखाया जा रहा है, और ट्रेलर टीजर तो बहुत ही कमाल का था, और क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा है यार। बेसगर एडवांस बुकिंग तो बहुत ज़बरदस्त है, इसी हिसाब से क्रेज़ इसकी जो हाइप बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन मेरी भाई डार्लिंग प्रभास का सलार मूवी जो है ना, हमेशा ट्रेंडिंग पे आ रहा है यार। देखिए, मैं पठान के साथ कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस पठान की बात करके यहाँ पे सलार की हाइप की बात कर रहा हूँ। देखो, अभी एक और ट्रेंडिंग आ चुका है, जैसे पहले था ना साल नहीं सलार वाला, अभी फिर एक और आ चुका है, सलार यूफेरिया इन 250 डेज, मतलब 250 दिन के बाद सलार मूवी सिनेमाघरों में दस्तक देगी। दस्तक देगी बोलना बहुत ही नॉर्मल लग रहा है भाई, धमाका करेगी, तूफान मचाएगी, है ना। तो सलार मूवी मतलब भाई, यहाँ पे बस मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इतनी मतलब अभी टाइम किसका चल रहा है, कौन सी दिन है, अभी क्या हो रहा है, और इसी बीच ट्रेंडिंग कर रहा है प्रवास, इसी बीच ट्रेंडिंग कर रहा है सलार यूफेरिया इन 250 डेज। 250 डेज, दैट मीन्स 8 से 9 महीने फिल्म को आने को बाकी है अभी, है ना गाइस, 8 से 9 महीने आने को बाकी है, और 3-4 दिन में जो फिल्म आने वाली है उसको पार करके ट्रेंडिंग 1 पे जा रही है। दैट मीन्स हाइप देखो यार, सलार की हाइप देखो, है ना। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सलार मूवी की ना टीज़र आ चुकी है, ना ट्रेलर आ चुकी है, ना ग्लिम्स आ चुकी है, बस गिन चुन के 3-4 पोस्टर रिलीज हुआ है गाइस। सर, इतने में इस कदर अगर हाइप है तो जब इसकी शूटिंग वगैरह फरवरी तक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद बैक टू बैक ग्लिम्स टीजर वगैरह ये सब कुछ देखने को जब मिलेगा तो क्या होगा, सारे के सारे मतलब सब लोग अपना दुकान को बंद करना पड़ेगा ये इस टाइम पे। मैं तो देख के ही मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है कि मतलब इतना हाइप है, 8 से 9 महीने है फिल्म को आने के लिए, और इतना हाइप है, इतना ज़बरदस्त एक मार्केट बना के रखा है सलार यार, सलार यूफेरिया इन 250 डेज। सच में एक्साइटेड भाई, एक्साइटेड।